क्या कहलाता है का आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पर कायरा को सीरत कहती है कि चल हम दोनों कुल्फी खाने चलते हैं और उसको बाहर लेकर चली जाती है, तो पीछे से दादी और नानी प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, आपको अपनी सीरत की शादी करवानी है या नहीं, और हमने आपको भी पहले भी तो पूछा था। और उसके बाद दादी कहती करवानी तो है, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बाद ने कहा, वो कहती है कि हाँ हम भी कार्तिक की शादी करवाना चाहते हैं और दोनों एक दूसरे का कितना सपोर्ट भी करते हैं ये वो। उसके बाद ने दादी रानी से कहती है कि ऐसा करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये दोनों शादी के लिए हाँ कर दे। तो दूसरी तरफ सीरत कायरा को समझाते हुए नजर आती है, लेकिन कायरा तो जिद करते बैठा है और कहता है कि आप हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते, आप हमारे साथ ही रहिए ना, हमेशा हमारे साथ ही रहिए। दिखाया जाता है कि यहाँ पर दादी और नानी प्लानिंग करती है और दादी कहती है ऐसा करिए आप मर जाइए, और नानी कहती क्यों मैं क्यों मर जाऊँ, पहले तो आपकी किट्टू की शादी नहीं करवानी क्या आपको, आप भी तो कर सकती है ये। और दादी कहती है अच्छा आप अपनी सेहत के लिए मर भी नहीं सकती, यानी उनमें एक फनी कन्वर्सेशन होता है। और फाइनली नानी कहती है कि हाँ मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और दादी कहती है कि सीरत को मनाना ज्यादा मुश्किल है, हमारे किट्टू को तो हम मना ही लेंगे। और उसके बाद में उनकी प्लानिंग ऐसी होती है कि नानी नाटक करेगी मनिका और उसके बाद इन दोनों को शादी के लिए मनाएगी। आए वहाँ पर कायरव और सीरत दोनों आ जाते हैं और उन्हें देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं कि कहीं सुन तो नहीं लिया, लेकिन वो दोनों सुनते नहीं है और कायरव वहीं सो जाता है। सीरत के साथ उसे देखकर दादी और नानी काफी खुश होते हैं और दादी कार्तिक को पास भी जाती है और उसे देखती है वो सोया हुआ और सोचती है कि हमने गलत तरीका अपनाया है लेकिन नीयत बहुत सही है, आज हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए मुझे लग रहा है कि तुम्हारे लिए बहुत ही सही रहेगा। तो सुबह होती है जहाँ पर कायरव और सीरत दोनों ही सो रहे होते हैं, कार्तिक वहाँ पहुँचता है और सीरत को स्कूल के लिए उठाने के लिए कहता है। नानी भी वहाँ पर आती है पूजा करने के बाद ने, और नानी को कहता है कि आप कायरव को उठा दीजिए स्कूल जाना है। आरती भी वहाँ पर सीरत सपनों में भी बॉक्सिंग याद कर रही होती है। और इसके बाद ने सीरत गिरने वाली होती बेल से, तभी कार्तिक उसे संभाल लेता है, उन्हें दोनों को साथ देखकर नानी और ज़्यादा खुश हो जाती है। और वहीं पर कायरव को उठने के लिए कहते हैं, कायरव भी उठ जाता है तो सीरत उसे उठाती है, लेकिन वो उठने को तैयार नहीं, वो वापस बेल में घुस जाता है। और वहीं पर वंश आता है और उसे लेकर चला जाता है। कार्तिक और कहता है सामान देकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि तुम जा रही हो, और उसके बाद ने वो उसको सामान और भी उसको दे रहा होता है कुछ, और कहे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और सारा सामान उसको दे रहा होता है। जिसके बाद ने यहाँ पर दिखाया जाता है कि सीरत भी काफ़ी उदास हो जाती है और वहाँ पर नानी को दादी सारा करती है और वो मरने का नाटक करती है। कार्तिक और सीरत को इतना जल्दी जल्दी में कुछ समझ नहीं आता और दादी कहती है अब इनकी आखिरी इच्छा तो सुन लो, और वो वहाँ पर दिखाया जाता है कि नानी कहती है तुम मेरी सीरत से शादी कर लो, मेरे बाद इसका पता नहीं क्या होगा। वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कार्तिक सीरत को कहता है कि अब तुम अम्मा की तबीयत ठीक है तो मैं कोई भी फोर्सफुली इसको बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम जो चाहोगी वैसा ही।